हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे कमाल धमाल ग्रेनेड्स का। मेरी तरफ से नहीं, सामने वाले मतलब एनिमी की तरफ से। हाँ जी, जो यड़ा बनाया ना मुझे कत्ते ही जहर। जो चलो देखते हैं मेरी गेम प्ले। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट मैच। तो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेनेड्स इतनी कमाल की चीज़ है ना, जहाँ पे आपका एम या फिर आप खुद नहीं पहुँचते ना, वहाँ पे आपका ग्रेनेड पहुँचता है। तो भाई, ग्रेनेड बहुत कमाल की और काम की चीज़ है। मुझसे तो ग्रेनेड खेला ही नहीं जा रहा है भाई, अभी सीखना पड़ेगा। इस मैच के बाद में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेनेड्स का दिमाग में आता ही नहीं कि ग्रेनेड्स यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई, यही चीज़ तो सीखनी है। तो भाई, ये सीख गए ना तो आपकी आधी फाइट तो क्लियर हो जाती है, बचती है गन फाइट। ओके, तो हम यहाँ पे रुजॉक में उतर गए हैं। हमारे साथ एक दो स्क्वाड तो आई है, अब देखते हैं क्या होता है। गाइज, आपको कहाँ भी पिक्सल दिखे ना, मतलब कहाँ पे भी थर्ड पार्टी हो रही है या फाइट हो रही है, तो वहाँ पे एम करके शूट करने की कोशिश कीजिए। आपका डैमेज नहीं तो आपको किल ज़रूर मिलता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे लेवल 1 बैग और लेवल 2 वेस्ट मिल चुकी है। और यहाँ पे बंटी को मारने की कोशिश, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गन नहीं है। तो चलिए, ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें गन M16 मिल चुकी है, स्कोप भी है, तो मुझे एनिमीज भी स्पॉटेड हो चुके हैं। तो चलो ये फाइट देखते हैं। के यहाँ पे ऑल क्लियर होते ही हम थोड़ा लूट शॉट करने के लिए उतरेंगे और आगे बढ़ते हुए।
ओके गाइस, तो यहाँ पे लूट शार्ट हो चुकी है और यहाँ पे एक गेम भी मिल चुकी है। तो आगे जो होता है ना भाई, एक जो एनिमी आता है ना, आप खुद ही देख लो। गाइस देखो कितनी फिल्मी स्टाइल में आता है ये बंदा, और उतर के फायर भी नहीं करता। इसकी आत्मा को शांति दे दो यार। ओके, तो इसके आगे मुझे एक बॉट मिलता है, पर असल में वो बॉट होता नहीं है। तो मुझे लगता है ये बॉट है, तो इसके साथ थोड़ा खेल लूँ। पर भाई इसने जो पागल बनाया ना मुझे भाई, सच में यार। नाम जैसा ही इस बंदे ने हरामीपन दिखाया है। तो छोड़ो, इससे क्या सीख मिलती है भाई? कोई भी हो, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, फिर या वो बॉट ही क्यों ना हो। और ग्रेनेड का प्रॉपर यूज़ करो जैसे उसने किया था। पर कवर में रहते हुए भाई ने थोड़े पिक्सल दे दिए और मैंने उसका किल उठाया है, आपने गौर से देखा रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हुए इस मैच में अभी क्या ही बताओ, आप खुद ही देख लो। نوشته چیه؟ مال صدا خودمون که حرف میزنیم آها، روی هر کد دیگه میفهمیم مثلا دشمنمون اسمش کیه میدونی؟ بعد داخل بازی آه تمسخرش میکنیم مثلا صداشو اینقدر میگیم هی فلانی با خودش میگه ای کی بوده ای کیه که مثلا अबे داره क्या बोल रहा है صدا ये و چیز میکنه और داره क्या हाँ कर شما रहा है, صدا कुछ समझ में आ میگه रहा है क्या? बक داره क्या شما से میگه تمسخرش با خودش میگه ای جنیه چیز بس الان بزن थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। ओके बाय।